नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल के नाइन मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के राज्य स्तरीय सदस्य वीरेंद्र धनखड़ शनिवार को गोहाना पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि आने वाली 16-17 अक्टूबर को हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। वीरेंद्र धनखड़ यहाँ पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार रोडवेज विभाग को निगम बनाना चाहती है, पर रोडवेज कर्मचारी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सरकार करीब 750 निजी बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल कर इसे निजीकरण की ओर ले जा रही है। रोडवेज तालमेल कमेटी द्वारा आने वाली 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन के लिए हरियाणा रोडवेज का प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गत दिनों 720 गाड़ियां विभाग के अंदर जो हायर करने का फैसला लिया है, ये पूर्ण रूप से जन विरोधी फैसला है, कर्मचारी विरोधी फैसला है। हरियाणा रोडवेज देश की 79 परिवहन उपक्रमों में कम ईंधन में ज़्यादा बचत देने वाला सुरक्षात्मक दृष्टि से जनता की लगभग 42 कैटेगरी को मुफ्त या कंसेशन दर पर सेवा देने वाला विभाग है। राज्य सरकार के उक्त फैसले से हमें ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार पूंजीपतियों के द्वारा, श्रमागारों के द्वारा जनहित के इस विभाग को तालाबंद की तरफ ले जा रही है। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी और हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी किसी भी सूरत पर सरकार के इस फैसले को धरातल पर लागू नहीं होने देगा। आज रोडवेज के कर्मचारी को वेतन और भत्ते बढ़वाने की बात नहीं है। हरियाणा प्रदेश की 7,750 ग्राम पंचायतें प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार से ये मांग कर चुकी हैं कि हमें हमारे देहात से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाने के लिए सरकारी बसों का प्रबंध किया जाए। सर, जो स्ट्राइक की बात है, सरकार ने पीछे जैसे इस बार लगाया था, क्या इस बार भी कुछ इस तरह का रहेगा? देखिए, जनतांत्रिक प्रणाली के तहत हमें ये अधिकार है। सरकार को बाकायदा लिखित में नोटिस दिया गया है, यदि सरकार दमनकारी नीति के तहत और विक्टिमाइजेशन करना चाहेगी तो कभी भी दमन से आंदोलन रुकेगा नहीं, हर हालत में हड़ताल होकर के रहेगी। और इस हड़ताल में केवल रोडवेज के कर्मचारी का नहीं, हमारे जो जन संगठन है, किसान संगठन है, छात्र संगठन है, प्रदेशी जनता का भी हमें पूर्ण रूप से समर्थन और सहयोग है। किसी भी कीमत पर जनता जनार्दन के इस विभाग को निगम नहीं बढ़ने दिया जाएगा। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट। नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।